नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RRTS प्रोजेक्ट के बारे में। ये टॉपिक परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर चाहे आप तैयारी कर रहे हो SSC के लिए या फिर UPSC के लिए। यहाँ RRTS का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से मेरठ को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के क्या फायदे हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि RRTS प्रोजेक्ट को मैनेज कौन कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व हो एक कंपनी का गठन करने में। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा विस्तारा एयरलाइंस का नाम, जिसमें 51% हिस्सेदारी टाटा की है और बाकी 49% सिंगापुर एयरलाइंस की। NCRTC में ये पार्टनरशिप होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और स्टेट ऑफ दिल्ली के बीच। NCRTC RRTS प्रोजेक्ट के पहले फेज में 3 कॉरिडोर डेवलप करेगा, जिसमें पहला कॉरिडोर बनेगा दिल्ली से मेरठ के बीच, दूसरा कॉरिडोर बनेगा दिल्ली से अलवर के बीच और तीसरा कॉरिडोर जोड़ेगा दिल्ली से पानीपत को। बात करें वर्तमान की तो अभी सिर्फ दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हुआ है और मार्च 2023 में इसके पहली बार ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करते हैं इस परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला कारण है इसकी वजह से दिल्ली में कंजेशन कम होगा। NCRTC की माने तो दिल्ली से मेरठ तक का सफर सिर्फ 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। हालांकि जानने के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली से मेरठ तक का डिस्टेंस लगभग 82 किलोमीटर का है। अब जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो का भार भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ रूट की, जिस पर इस परियोजना के तहत पहली बार रेल चलाई जाएगी, तो उस रूट का नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रेल ट्रैक्स इन शहरों से गुजरेंगे उनका स्टेशन काफी हद तक ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को चुना गया है। हालांकि ज्यादा जगह ना होने के कारण इन ट्रैक्स को एलिवेटेड ही रखा जाएगा, आम सड़कों से काफी ऊपर। दूसरा कारण कि ये परियोजना क्यों इतनी आवश्यक है तो वो होगा एयर पोल्यूशन। अगर हम इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली और दिल्ली NCR के बीच कुछ सबसे व्यस्त सड़कें हैं और इन सड़कों पर आपको हमेशा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जिसके कारण ज्यादा पॉल्यूशन। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना के कारण लोग और प्रेरित होंगे और उनका झुकाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण प्रदूषण में कमी आएगी। अगर हम बात करें तीसरे कारण की जो इस परियोजना को और भी अहम बनाता है, तो वो मेरे हिसाब से होगा आत्मनिर्भर भारत में इसका एक अहम योगदान। इस परियोजना के लिए ट्रेन सेट्स का निर्माण बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हालांकि बॉम्बार्डियर एक कैनेडियन कंपनी है, पर इनके द्वारा इन ट्रेन सेट्स का निर्माण गुजरात स्थित सावली प्लांट में किया जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके सिवा सरकार द्वारा जारी दो और कंडीशंस को फुलफिल करना इस कंपनी के लिए आवश्यक है, जिसमें पहली कंडीशन होगी 75% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए। यानी आप सिर्फ भारत में लाकर असेंबल नहीं कर सकते, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी। यहां पर आपसे मेरा मतलब बॉम्बार्डियर से है। दूसरी कंडीशन जो भारत सरकार द्वारा रखी गई है वो है 50% आइटम लोकल होना चाहिए, यानी मेड इन इंडिया। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक और बूस्ट मिलेगा, जो आत्मनिर्भर के लिए एक अच्छी पहल है। खैर, मैं वीडियो को इसी नोट पर एंड करना चाहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।